तो गाइस Xiaomi यूजर्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, MIUI 11 का जो अपडेट है वो Xiaomi ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, MIUI 11 का जो अपडेट है वो ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है Xiaomi ने। डेट बताने जा रहा हूँ किस फ़ोन में और कब कब मिलेगा। पर इससे पहले यार मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी पिछली वाली वीडियो थी, जो आपने देखी थी अभी, जो इससे पहले वाली वीडियो थी, तो उस वीडियो में मैंने कुछ Xiaomi के जो अपडेट्स है उनके बारे में मैंने कुछ बुरा भला बोल दिया। तो शायद मेरे को लग रहा है वहाँ पे जो Xiaomi है थोड़ा सा उस चीज़ से डर गया, शायद मेरी वीडियो Xiaomi वाले ने देख लिया डर गया शायद। दोस्तों अगर आपने अभी तक टैग बीट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियो होने वाली है उनमें MIUI 11 से रिलेटेड जो भी अपडेट होने वाले हैं, थीम वगैरह, लॉन्चर वगैरह या फिर नोटिफिकेशन लाइट वगैरह के जितने भी अपडेट होने वाले हैं सबकी आपको एक एक बार में खबर देता रहूंगा। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से ब्रांड का फ़ोन यूज़ करते हो और आपका फ़ोन कौन सा है। जैसे कि मैं पोको F1 यूज़ करता हूँ, तो आपके पास कौन सा है, लाइक रेडमी का कोई भी हो या फिर कोई भी फ़ोन यूज़ करते हो, तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा, जिससे दोस्तों मेरे को पता लग जाएगा कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो और फिर मैं उसी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों Xiaomi जो है उसने अपने जो Redmi Note 8 Pro के जो लॉन्च इवेंट था उसमें यार एक चीज़ और लॉन्च कर दी, और दोस्तों उस चीज़ का नाम है यार जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, MIUI 11 का अपडेट। जी दोस्तों, MIUI 10 पे हमारा जो फ़ोन है वो काफ़ी दिन से चल रहा था और हम उससे काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हैं। हालांकि अभी भी वो अच्छे से काम कर रहा है, पर यार वो इतना मज़ा नहीं आता जो हमें नए वाले MIUI में मिलेगा। दोस्तों Xiaomi ने अपनी जो चार लिस्ट बनाई हुई है अपने टोटल जितने भी फ़ोन है उनके लिए, तो यार उन पहली लिस्ट में जो जो फ़ोन है उनके आप नाम जान लीजिए, और जो डेट है वो है 22 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर। तो ये जो है दोस्तों सबसे पहला फ़ोन हमारा निकल के आता है यहाँ पे, पोको F1। दोस्तों जैसे कि मैंने बोला था ना आपको कि Xiaomi जो है अपनी वीडियो देख के डर गया है और उसने सबसे पहले अपने पोको F1 का नाम लगा दिया। दोस्तों मुझे पता है मेरी जो वीडियो देखते हैं वो ज़्यादातर पोको यूजर्स ही देखते हैं, दोस्तों उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि सबसे पहले इसने Xiaomi ने जो अपडेट दिया है वो है पोको F1 के लिए, उसके बाद है Redmi K20। तो यार पता नहीं यहाँ पर K20 दिया है पर K20 Pro का अपडेट नहीं दिया। चलो कोई ना, फर्स्ट लाइन में सबसे पहले है पोको F1, उसके बाद है Redmi K20, थर्ड पे है जो हमारा Redmi Y3, उसके बाद है Redmi 7, फिर Redmi Note 7, Redmi Note 7 S और लास्ट में है हमारा इस लाइन में Redmi Note 7 Pro। तो ये तो थी दोस्तों फर्स्ट लाइन। दोस्तों सेकंड लाइन में जो फ़ोन आ रहे हैं उसमें यार Xiaomi ने थोड़ा सा लेट कर दिया अपडेट 4 नवंबर से और 12 नवंबर के बीच में। तो यार जो सेकंड लाइन में फ़ोन आ रहे हैं उनके नाम अपन सुन सकते हैं, Redmi K20 Pro, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 6A, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro और Redmi 5, Redmi 5A, Redmi Note 4, Redmi Y1, Redmi Y1 Lite, Redmi Y2, Redmi 4, Mi Mix 2 और Mi Mix 2 और Mi Max 2। दोस्तों ये फ़ोन जो है ये 4 नवंबर से लेके और 12 नवंबर के बीच में इन सब में अपडेट आपको कंप्लीट मिल जाएगा MIUI 11 का। तो यार थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा कंपेयर टू पोको वाली जो सीरीज है उससे, मतलब फर्स्ट लाइन से। थर्ड लाइन है उसमें यार काफ़ी लंबा अपडेट चलने वाला है, क्योंकि 13 नवंबर से लेके और 29 नवंबर, मतलब 13 नवंबर से लेके और 29 नवंबर के बीच में जो हमको यहाँ पे सारे अपडेट मिलने वाले हैं उन फ़ोन्स के नाम है दोस्तों यहाँ पे, Redmi Note 6 Pro, Redmi 7A, Redmi 8, Redmi 8A और यहाँ पे Redmi Note 8। तो ये जो फ़ोन्स हैं इनके यहाँ पे हमको अपडेट मिलने वाले हैं। पर दोस्तों एक चीज़ आपने नोट की यहाँ पे, यार जो सबसे भी लेटेस्ट फ़ोन लॉन्च हुआ था MI Xiaomi का, तो यार उसका अभी तक कुछ भी MIUI 11 का अपडेट मैंने नहीं बताया और ना ही यहाँ पे मेरे को पता चला है। तो अब देखते हैं चौथी लाइन में, शायद फोर्थ लाइन में जो है उसका नाम आ जाए। ओहो, तो दोस्तों यहाँ पे जो यार फोर्थ लाइन में एक ही फ़ोन है जिसका आपको आराम से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा फ़ोन हो सकता है। तो यार इसका अपडेट जो है काफ़ी लंबा चला गया यार, 18 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर के बीच में आपको यहाँ पे इसमें अपडेट मिलने वाला है। तो यार काफ़ी लंबा अपडेट चला गया दोस्तों, और जो नया फ़ोन है वही है जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 8 Pro जो अभी लॉन्च हुआ था कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले लॉन्च हुआ था, तो उसका अपडेट यहाँ पे हमको काफ़ी लंबा आता यहाँ पे, तो उसका अपडेट हमको यहाँ पे काफ़ी लंबा खींच के मिला है। तो यार ये जो है Redmi Note 8 Pro लास्ट ही लास्ट में पटक दिया है Xiaomi ने, अपना जो Poco F1 है वो फर्स्ट पे रखा है, क्योंकि यार पोको F1 की जो सेलिंग हुई थी ना वो शायद Xiaomi के अभी तक किसी भी फ़ोन की नहीं हुई थी इतनी ज़्यादा, तो शायद इसीलिए ये भी हो सकता है, कुछ भी रीजंस हो सकती है। दोस्तों ऐसे ही Xiaomi से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ चाहिए, जितनी भी आपको सारे अपडेट्स चाहिए, तो यार भाई के चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं एक और आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।